हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं गेस द टॉफी चैलेंज। और इस टॉफी चैलेंज में मेरा साथ देने वाले हैं मेरे भैया। तो इस चैलेंज की रूल्स मेरे भैया समझाएंगे। तो आज हम लोग ने बहुत सारी टॉफीज ले ली हैं और ये सारी टॉफीज अलग अलग फ्लेवर्स की हैं। और इसमें इस चैलेंज में दो राउंड होंगे। दोनों राउंड में किसी एक राउंड में मुझे ब्लाइंड फोल्ड होना होगा और दूसरे में पार्थ को होना होगा। और उसके बाद हम लोग को पांच टॉफीज मिलेंगी जिसके नाम हम लोग किस करने होंगे केवल टेस्ट पे। तो चलिए देखते हैं कि पहला राउंड कौन करता है। तो स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले स्टोन पेपर सीजर करेंगे भाई। चलो क्या करो। स्टोन पेपर सीजर। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि पार्ट किस्मत खराब थी, वो हार गए हैं। तो पहले चांस में इन्हें ब्लाइंड फोल्ड होना होगा। तो कुछ दिख नहीं रहा, कितनी उंगलियां? उंगलियां पक्का दो होंगी। दो? हाँ एकदम सही है। तो चलिए देखते हैं पहले कॉफी भी बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं क्या नाम इसका। तो पहले हम लोग देंगे इनको बहुत अच्छी सी टॉफी। तो उसको आप लोग देख लीजिए। तो तैयार हो जाओ। वाह, इसके अंदर स्पीकर भी है। कौन सी है? चलो मुंह खोलो। तो देखते हैं ये बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। इनको केवल 10 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जल्दी बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार सोच लो। 9, एक राउंड एक चांस में दे रहा हूँ। ये थी एक लेयर्स। तो अगली टॉफी दो भाई, आज तो हार गए। कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे लग रहा है तुम हार ही जाओगे क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी शुरुआत ही खराब हुई है। पहले पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं इनको कौन टॉफी देने जा रहा हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए। रेडी हो? रेडी हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ। तो चलो भाई इसको भी टेस्ट करके देख लो। मुँह खोलो अपना। मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये बता पाएंगे क्योंकि ये खाने ज्यादा ध्यान रहता है इनका, कभी पढ़ते नहीं नाम। ये मुझे काउंटिंग करनी हो तो मैं शुरू करता हूँ। 1, 2 मुझे नाम नहीं पता। 3, 4, 5, 6, 7 मैंगो बाइट। 8 येलो मैंगो। 9 पक्का आम। एक बार कंफर्म कर लो क्या है मैंगो बाइट, पक्का आम और मैंगो बाइट। मैंने कहा तो था कि इनके लिए मुश्किल है पर अब चलिए भगवान ने साथ दिया, इन्होंने बता लेना तो सही है और इन्हें मिलता है एक पॉइंट। यस। तो चलिए अभी तो दो चांसेस हो गए इनकी, तीन और बची हैं। तो तीसरी चांस करते हैं हम लोग। तो तीसरी चांस में बहुत ही अच्छी ट्रॉफी है और बहुत ही कॉमन है ट्रॉफी। तो आप लोग नाम देख ही सकते हैं और मुझे लगता है शायद ऐसा कोई होगा जिसे इसका नाम ना पता हो। तो देखते हैं इन्हें पता है कि नहीं। पता हाँ समय आ ही जाएगा। तो तैयार हो? हाँ। चलो खाओ। और इनकी काउंटिंग बस शुरू होने वाली है, थोड़ा सा ये टेस्ट ले लें पहले। वेक्स यार, वेक्स। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बिना मेरे काउंटिंग स्टार्ट किए थे इन्होंने पहले बता दिया। तो ठीक है, सबसे बेकार ट्रॉफी है ये। अब जैसे भी तुमने तो बता लिया तो इनको दो पॉइंट हो गए, तीन राउंड तीन चांसेस हो गई हैं, दो पॉइंट हो गए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली चांस तरफ। और इस बार तो मैं ऐसी ट्रॉफी दूंगा जो पक्का नहीं बता पाएंगे। तो रेडी हो? रेडी। तो अगली ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाओ। और ये ट्रॉफी तुमने खाई भी है,
पर देखो सर तुम्हें नाम पता है कि नहीं पता? पता होगा। चलो पता चल ही जाएगा। हाँ। तो अपना मुंह खोलो और इसका टेस्ट लो। काउंटिंग की शुरू होने वाली है। बहुत हार्ड है। और काउंटिंग शुरू होती है आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जल्दी बताओ क्योंकि एक बार सोच लो। 8 हो चुका है। मैं तुम्हें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि तुम टेस्ट पहचानते हो क्योंकि तुमने खाई है कई बार इसे, बस तुम नाम नहीं समझ पा रहे हो। 9 गलत, 10 कोई बात नहीं। अब लास्ट चांस है इनकी, तो चार चांसेस हो गई हैं, तो चार चांसेस इन्होंने दो सही बताया है और दो गलत। लास्ट चांस देखते हैं। तो अब की बार मैं इनको ऐसे टॉपिक दूंगा जो इन्हें बता लेना चाहिए, इन्हें आना चाहिए इसका नाम, और आप लोग देख लीजिए एक बार। तो रेडी हो? किस्मत की तुम्हारी खराब चल रही है क्योंकि तुम और लास्ट चांस है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। तो तैयार रहो। हाँ बस 2 मिनट, थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कर लो तो क्या बता ले जाओ। तो काउंटिंग शुरू होने वाली है, टेस्ट ले लो अच्छे से। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3 बचा। श्योर? बचा। तो चलिए भगवान ने इनका साथ दिया और लास्ट राउंड में इन्होंने सही नाम बताया। तो अब इनके 5 चांसेस हो गई हैं और इनका स्कोर है 3 out of 5। तो अब तो फर्स्ट राउंड ओवर हो गया है, तो अब तुम अपनी पट्टी आ सकते हो। और अब सेकंड राउंड होगा, तो देखते हैं कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अब मुझे ब्लैंक फोल्ड होना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर सेकंड राउंड। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मुझे टॉपिक के नाम पता रहते हैं और इनका स्कोर देख के मुझे और लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। उंगली तुमने दिखाया नहीं हमको अभी तक। उंगली है? हाँ। 2 या 3 होंगी। ओ नहीं नहीं 2 है। हाँ सही है, मुझे पता है कि मैं। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है इस बार की जीतूंगा पक्का मैं चैलेंज। आप लोग देख सकते हैं तैयार हो ना, एकदम अच्छे से तैयार रहो। मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो जल्दी करो, तुम कोई देर कर रहे हो। कर रहा हूँ यार। लो लो मुझे तो काउंटिंग की जरूरत नहीं है और मैं इसका नाम बता सकता हूँ, ये है क्लियर 100% पक्का, एकदम श्योर है। यू आर राइट। कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही जीता हो ना, खुश मत हो। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। जरूरी नहीं है। ऐसी टॉपिक तो मुझे बताने मुश्किल पड़े। कौन सी धमाके रहती है? No.
रो कौन सी दे रहे हैं यार, क्या पैकिंग करके क्यों रखी है, निकाल खोलो खाओ अब बताओ। तो काउंटिंग शुरू होने वाली है, वन टेस्ट बहुत पहचाना है मेरे लिए, टू थ्री अगर मैं गलत नहीं थी, फोर कन्फर्म है, फाइव कन्फर्म, यू आर रॉन्ग क्या, हाँ ये नहीं है, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लंदन डायरी है। अरे यार कोई बात नहीं, ये मैंने खाया है एप्पल लीवर, ऐसा ही टेस्ट है उसका, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो कभी कभी होता है, हम नेक्स्ट बार खाओ। यार मेरा एक नंबर चला गया, एक पॉइंट, एक ही पॉइंट मिला मुझे अभी तक तो। चलिए देखते हैं अगली बार क्या होता है, मुश्किल है टॉपिक। अब तो अब की बार मैं पूरा एकदम अच्छे सोचूंगा तभी बताऊंगा। ओ इसका मैंने ऐड देखा है, ठीक है। ये कॉफी हाँ एकदम से कॉफी हाँ कॉफी है, कॉफी वाले फिल्म में ऐड में देखा था, कंफर्म एकदम कंफर्म कॉफी, यू आर रॉन्ग पिको है। अरे यार मुझे कॉफी, बस कॉफी का टेस्ट आ रहा था तो मुझे कॉफी याद आई थी। अरे यार चलो कोई बात, मुझे लगता है किस्मत खराब है, जीत जाओगे, तीन चांस में तीन चांस हो चुकी हैं आपकी अभी तक, और दो चांस हार चुके हो, चलो एक तो है ना कोई ठीक है, हाँ एक चांस करो ठीक है, तो मेरी फोर्थ चांस है ये, मेरे पास दो ही चांसेस बची हैं, अगर मुझे मैच ड्रॉ करना है तो मुझे दोनों चांसेस सही बताना होगा। इसमें से एक भी ट्रॉफी जिसको मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो लगता शायद वो ना आ जाए। तो मैंने कभी टेस्ट नहीं की, आप कौन सी है, कुछ नहीं कोई नहीं है, आप अब खा के बता देना अच्छे से, आपको अभी बताने को जरूरत नहीं है, आप लो वन टू खराब है, थ्री अरे एक मिनट फोर मुझे पता है, फाइव सिक्स अरे मैंने कुछ देर पहले इसको देखा था, सेवन फॉल्स एफ ए डबल एल एस कन्फर्म यू आर रॉन्ग ये हॉल्स है ना फॉल्स, अरे लेकिन मिलना चाहिए ना, अब नंबर दे दो उसमें क्या है, नंबर के दे दे भाई गलत नाम बोल रहे हो, गलती एक लेटर गलत हुआ आपका, चलो कोई बात नहीं, अब लास्ट राउंड इसमें भी हार जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अब तो जीतूंगा एकदम कंफर्म है, जीतूंगा नहीं अब तो हार ही जाऊंगा ना मैं, एक ही पॉइंट अब मैं कहां से दे दूं, इस बार में कोई भी दे दो, अब तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे साथ हैं आज, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ट्रॉफी का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब गलती से वो हॉल्स था मैंने फॉल्स बोल दिया, कोई बात नहीं मैंने ट्रॉफी आ रही है एग्जाम पे, जल्दी करो टेस्ट करो लो बताओ। पहचानी है
मैं टेस्ट किया इसको और कई बार मैंने इसको मतलब खाया भी, तो मुझे लगता है ये अल्पेनलिबे है। कंफर्म? हाँ कंफर्म अल्पेनलिबे। यू आर राइट एज ऑलवेज। तो चलो अब पांच राउंड हो ही गए हैं, वो पांच चांसेस तो हो ही गए हैं, तो कोई बात नहीं मैं हार गया, मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं इसका। तो फिर चलते हैं तो सारे जाओ। तो आप लोगों को बताना भूल गया शायद कि आज के इस चैलेंज में पनिशमेंट होने वाली है। कौन सी पनिशमेंट? पनिशमेंट बात ही नहीं हुई थी। होगी होगी, क्यों नहीं होगी, पनिशमेंट जरूर होगी। चलिए सोच देखते हैं फिर भाई, ये पनिशमेंट दे रहे हैं, देखते हैं कौन सी पनिशमेंट। तो आपकी पनिशमेंट के बारे आ गई, पर आप पनिशमेंट में टॉफी ही मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, टॉफी और खा लूंगा मैं। पर एक ट्विस्ट के साथ। तो ट्विस्ट ये है कि आपको टॉफी नमक के साथ खानी होगी। अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई थी। हुई थी, अब नहीं हुई कोई बात नहीं। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टॉफी, इसमें पहले से ही काफी सा सॉल्ट होता है, इसलिए मुझे टॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही टॉफी मैं मेरे भैया को देने वाला हूँ, इसमें ये नमक ऐड करके। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं इसे खा पाता हूँ। मुझे लगता है मैं खा पाऊंगा, तो मैं पहले से पानी बोतल ले लेता हूँ जो इस कठिन समय मेरा साथ देगी। ओके थोड़ा लगा यार इतना। ठीक है इतना इतना ठीक है, इतने लगाएंगे। बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग घर पे ना खाइए, ना ट्राई करें। बिल्कुल भी आप लोग ट्राई ना करें, बहुत बहुत ही खराब लगती है। पर इतना सारा सॉल्ट इसमें कि ठीक है, अब कभी मेरा भी दिन आएगा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।